तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो आप लोगों को गाइस ये चीज तो पता ही होगा कि कीर्ति मेहरा अपने ब्लॉग वाले वीडियो में और अपने बहुत सारे स्टोरीज में अपने हेटर्स को रिप्लाई करते रहते हैं। तो उसी चीज से रिलेटेड गाइस यहाँ पर किसी ने कीर्ति मेहरा से पूछा कि हेटर्स को तो रिप्लाई मिलते रहता है लेकिन हम लवर्स को रिप्लाई नहीं मिलता, तो वेट फॉर योर रिप्लाई। और इस पर गाइस फाइनली कीर्ति मेहरा ने रिप्लाई दे दिया, ऊपर में घाट वाला इमोजी भी शेयर किए। वेल आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस, अब कीर्ति मेहरा की बात हो गई तो अब बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव का दोस्त गाइस लव कटारिया है, जो कि शिवानी कुमारी से उसके गांव में मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर गाइस शिवानी कुमारी कटारिया के ऊपर और एलविस यादव के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हैं, क्योंकि गाइस जिस टाइम शिवानी कुमारी बिग बॉस हाउस के अंदर में थी तो उस टाइम गाइस एलविस यादव ने अपने ब्लॉग वाले वीडियो में शिवानी कुमारी को रोस्ट कर दिया था। उस पर गाइस शिवानी कुमारी अभी रिप्लाई करते हुए एलविस यादव को क्या कहे आप लोग इस वीडियो में देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मतलब कैसे भैया के ये टीम के हैं, जब हम बिग बॉस के घर में आते तो इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और एलविस भाई से भी गुस्सा आए हम। अगर आप ना आते तो ना बंधवा अर्चित को ले आओ कमरे में दानते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। चलो लवकेश भैया की टीम ना हमें गलत बोलो तो लवकेश भैया तो हमारे साथ अंदर बहुत अच्छे से रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब है। लक्ष्य अर्चित आए हैं, माफी तो मांग रहे दोनों लोग की, चलो माफ कर दो तो मेरे ऑडियंस के हाथ में है, वो जैसो समझे। मेरे घर पर तो सरप्राइज मिलो, एकदम से आए गए हैं तो मेरे घर में तो सबको सम्मान है जो भी आए। ठीक है उनने जो भी बोलो, अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं हमने ऐसे नहीं बोल वो चाहिए, तो वही तो बात, इंसान को पहले जानो समझो तब उसके बाद बोलो। हमें ऐसे नेचर हमें से रात है, ऐसे हम घर में भी रात है, ऐसे हम बाहर भी रहे, ऐसे हम बिग बॉस के घर में भी रहे, बनावटी हमारे अंदर कछु है नहीं है। बहुत अच्छो लोगो भैया आए, सरप्राइज मिलो, उनके संगे जो टीम आई थी उनकी लग चर्चित, थोड़ा हम गुस्सा आते उनसे लेकिन आए क्योंकि हमसे माफी माफी मांग रहे थे कि सॉरी हम जान नहीं पाए आपके लिए गलत बोल दो।